अस्सलाम वालेकुम मुआज़िज़ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो दुनिया के सबसे मशहूर और मारूफ मुल्क यूनाइटेड अरब अमारात या दुनिया में मशहूर नाम दुबई पर बनाई गई है। इस मुल्क के चर्चे पूरी दुनिया में हैं, लेकिन क्यों, चलें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है। दुनिया का पहला पानी में बनाया जाने वाला 7-स्टार होटल, खजूर के दरख्त की शक्ल का बनाया जाने वाला पहला हैंडमेड आइलैंड, दुनिया का पहला हैरत अंगेज फ्यूचर म्यूजियम, दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ, दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन, दुनिया का सबसे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट, करोड़ों रुपए लगाकर घोड़ों का शौक पूरा करने वाले लोगों का मुल्क, दुनिया की फहश तरीन बीचेस और डांस क्लब वाला मुसलमान अरबी मुल्क, दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर में बनाए जाने वाला ताज नुमा होटल वाला मुल्क, इसके अलावा और बहुत सी हैरान कुन और दिलचस्प मालूमात रखने वाला मुल्क दुबई की आज हम सैर करने जा रहे हैं। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है और फुल ऑफ एंजॉय है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आपको घर बैठे इस मुल्क की शानदार सैर करवाई जाएगी। तमाम देखने वाले मोहतरम नाजरीन से दरख्वास्त है, मेरे चैनल क्लॉकवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतजर होते हैं। तो वीडियो का हम आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस मुल्क के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, उसके बाद हम इसके खूबसूरत मकामात की सैर पर निकलेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसका ऑफिशियल नेम है यूनाइटेड अरब अमारात, इस मुल्क को UAE के नाम से भी पुकारा जाता है। इस खुशकी के मुल्क की पूरी दुनिया में पहचान बनाने वाली इसकी रियासत दुबई है। मौजूद दोस्तों, आपको बताता चलूं, दुबई एक मुल्क का नाम नहीं है, बल्कि ये UAE की एक रियासत या एक शहर है, जो पूरी दुनिया का फास्ट तरीन शहर है, जिसकी हाईलाइट अयाशी और लाइफ को देखकर हर इंसान वहाँ भागा चला जाता है। इवन के पाकिस्तान में भी अगर किसी वेले बंदे से बंदा पूछे कि आप क्या करते हो, तो आगे से जवाब आता है कि पाएं दुबई हुंदे ने। दुबई UAE का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का कुल रकबा 1610 मुरब्बा किलोमीटर है। अगर बात की जाए ऑल ओवर UAE के कुल रकबे की, तो 63,600 मुरब्बा किलोमीटर है। इस मुल्क की कुल आबादी 92,82,410 लोगों पर मुश्तमिल है। लेकिन आपको बताता चलूं, ये आबादी सिर्फ यहाँ के अरबी लोगों की नहीं है। इस आबादी का 59.4% हिस्सा साउथ एशियन लोगों पर मुश्तमिल है, जिनमें 38.2% के साथ इंडियन सबसे ज्यादा है। 9.5% बांग्लादेशी, 9.4% पाकिस्तानी और 2.3% दूसरे साउथ एशियन लोग आबाद हैं। इन 59.4% के अलावा 11.6% लोग यहां के वतनी अरबी हैं, 10.2% इजिप्शियन, 6.1% फिलिपिनो और 2.8% दूसरे मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ आबाद है। ये एक इस्लामिक अरबिक मुल्क है। इसकी कौमी जुबान भी अरबी है और यही इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। इसके अलावा यहाँ हिंदी, उर्दू, बंगाली, इंग्लिश, फिलिपिनो, चाइनी, तमिल, ये सब जुबानें बोली जाती हैं। इस मुल्क का कैपिटल अबू धाबी है, या जिसको अबू जैबी भी कह सकते हैं। इस मुल्क की 7 रियासतें हैं या 7 शहर हैं, जिनका नाम मैं तरतीब से लेता चलूँ। नंबर 1 दुबई, शारजा, अजमान, अबू धाबी, उम्मल क्वीन, रासल खैमा और फुजेरा हैं। ये एशिया का एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है, जो अरब के मशरिक में मौजूद है। इस मुल्क की सरहदें सऊदी अरब और उमान से मिलती हैं, और इसका समुंदर खलीज फारस की सरहदें कतर और ईरान के साथ मिलती हैं। इस मुल्क का सरकारी मजहब इस्लाम है, लेकिन यहाँ पर कोई भी काम इस्लाम के रूल्स के मुताबिक नहीं किया जाता। UAE में बादशाहत का निजाम कायम है, जो 7 रियासतों की फेडरेशन से तश्कील पाई गई। हर रियासत का एक अलग हुक्मरान होता है और हुक्मरान मिलकर फेडरल सुप्रीम तश्कील देते हैं। अमली तौर पर अबू धाबी का हुक्मरान सदर के तौर पर काम करता है, जिसका नाम मोहम्मद बिन जैद अल नहयान है, जो 11 मार्च 1961 को पैदा हुए।
मुल्क के नायब सदर और वजीर आजम दुबई के हुक्मरान हैं, जिनका नाम मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम है, जो 15 जुलाई 1949 को पैदा हुए, जिनको आप अक्सर सोशल मीडिया पर देखते हैं। यूएई की माशियत का दारोमदार तेल और कुदरती गैस पर मबनी है, जो दुनिया के छठे और सातवें सबसे बड़े जखायर रखते हैं, और इसके बाद तीसरी सबसे बड़ी माशियत को ताकत देने वाली इंडस्ट्री टूरिस्ट इंडस्ट्री है। मोहतरम नाजरीन, अगर हम बात करें इन सातों रियासतों के हुक्मरानों की, तो अबू धाबी का हुक्मरान है मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, दुबई का मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, शारजा का सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी, अजमान का शेख हुमैद बिन राशिद अल नाइमी, उम्मल कुइन का साउद बिन राशिद अल मुल्ला, रासल खैमा का शेख साउद बिन सक्कर अल कासमी और फुजेरा का हमाद बिन मोहम्मद अल शर्की हैं। ये मुल्क अक्वामे मुतहिदा, अरब लीग, इस्लामी तावन तंजीम, ओपेक, नावाबस्ता तहरीक और खलीज तावन कौंसल जीसीसी का रुकन भी है। 19वीं सदी में एक छोटे से माहीगीर गांव के तौर पर कायम होने वाला दुबई 20वीं सदी के अव्वल से एक इलाकाई तजारती मरकज में परवान चढ़ा और 20वीं सदी के आखिर और 21वीं सदी के अव्वल में सियाहत और ऐश और इशरत पर तवज्जो देता गया और आगे बढ़ता गया। इस शहर को 1833 में बनियास कबीले के 700 अफराद ने आबाद किया। ये लोग खलीजी समुंदरी साहली पट्टी पर आकर बैठ गए। ये साहली पट्टी एक कुदरती बंदरगाह भी थी। ये लोग अपनी रोजी रोटी समुन्द्र से मछलियाँ पकड़ कर गुजारते थे और आहिस्ता आहिस्ता समुद्री तजारत भी करने लगे। यूं इनकी तरक्की का आगाज हुआ 20वीं सदी में मुल्क से निकलने वाले तेल और गैस के जखायरों से हासिल होने वाली रकम दुबई की तरक्की पर लगाना शुरू कर दी गई, जिसका नतीजा ये है कि आज 2024 में दुबई दुनिया का सबसे बड़ा तजारती मरकज है। यहाँ बिजनेस करना दुनिया के हर इंसान की ख्वाहिश है। ये शहर आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सियाहती मरकज है, जिसकी वजह यह है कि हर आने वाले दिन यहाँ हैरान कुन विजिटिंग प्लेसेस का आगाज करना है। चलें अब मैं आपको बुर्ज खलीफा के बारे में बताता हूँ। ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, जिसका नाम है बुर्ज खलीफा। ये दुबई में मौजूद है, जिसके टोटल 163 फ्लोर हैं। इस बिल्डिंग की हाइट 828 मीटर यानी 2717 फीट है। इस बिल्डिंग में 57 लिफ्टों का इस्तेमाल किया गया, जो दुनिया की फास्ट तरीन सर्विस मुहैया करती हैं। बुर्ज खलीफा की तामीर 6 जनवरी 2004 में स्टार्ट की गई और 5 साल के तवील तरीन अरसे 11 अक्टूबर 2009 में कंस्ट्रक्शन को मुकम्मल कर दिया गया था। 4 जनवरी 2010 में इसे अवामुन नास के लिए खोल दिया गया था। बुर्ज खलीफा को बनाने में $1.5 बिलियन का खर्चा आया था। इस बिल्डिंग का मेन कॉन्ट्रैक्टर सैमसंग C&T था। इसके फ्लोर का एरिया 3,09,473 मुरबा मीटर है। ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि ऊपर की कई मंजिलें तो अक्सर बादलों में ही छुपी रहती हैं। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत सी रकम दूसरी रियासतों के हुक्मरानों से कर्ज के तौर पर भी ली गई थी, जो बाद में किस्तों में अदा कर दी गई। इस बिल्डिंग को दुनिया की मशहूर कंपनी ने डिजाइन किया था। इसी कंपनी ने शिकागो के सेल टावर को भी डिजाइन किया था। इस बिल्डिंग में क्लेडिंग सिस्टम लगाया गया है। ये क्या होता है? दरअसल ये सिस्टम गर्म मौसम को बर्दाश्त करने और उसे नॉर्मल करने में मदद देता है। बुर्ज खलीफा को अमार ग्रुप ने तामीर किया। इस बिल्डिंग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाला गया। बुर्ज खलीफा में टोटल 900 फ्लैट्स मौजूद हैं, जिनमें एक बेडरूम से लेकर 4 बेडरूम हॉल तक मौजूद हैं। इस दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग में पर नाइट का रेंट $600 से स्टार्ट होता है और $900 तक जाता है, जो पाकिस्तानी 2,49,216.57 रुपयों के बराबर और इंडियन 74,872 रुपयों के बराबर है। इस बिल्डिंग में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी बेडरूम्स मौजूद हैं, जिनमें स्टे करना तकरीबन हर इंसान की ही ख्वाहिश है। अगर बात करें दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल की, जिसे दुबई मॉल का नाम दिया गया, जिसे अमार मॉल्स ग्रुप ने तामीर किया, इस मॉल का टोटल रकबा 54 लाख स्क्वेयर फुट है। इस मॉल की 14,000 से ज्यादा गाड़ियां पार्क करने की पार्किंग बनाई गई। इस मॉल का मुकम्मल नाम दी दुबई मॉल था, फिर जनवरी 2013 में इसे बदलकर सिर्फ दुबई मॉल रख दिया गया। इस मॉल में दुनिया के सबसे बड़े कपड़ों के ब्रांड्स, घड़ियों के ब्रांड्स और जूतों के ब्रांड्स के साथ साथ और भी दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स मौजूद हैं। ये मॉल इतना बड़ा है कि इसे घूमते घूमते इंसान की बस हो जाती है।
पूरी दुनिया से लोग इसे देखने आते हैं। ये माल बिल्कुल बुर्ज खलीफा के साथ बनाया गया ताकि जो लोग भी आए वो डबल मजा हासिल कर सकें। इस माल में एक्वेरियम बनाया गया जो टोटल शीशे से बनाया गया, जिसके अंदर पानी और खूबसूरत मछलियां तैरती हुई नजर आती हैं। इस माल में पूरे दुबई का नक्शा उल्टा करके लगाया गया। इस माल में दुनिया के महंगे तरीन रेस्टोरेंट्स और कैफे मौजूद हैं। अगर आपकी जेब में हजारों दिरहम हैं तो खुशी से शॉपिंग भी करें और खाने भी खाएं, नहीं तो घूम फिर कर वापिस आ जाएं। आपको कोई पूछने वाला नहीं। बुर्ज खलीफा के ग्राउंड फ्लोर पर दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डांस सिस्टम भी लगाया गया, जिसे देखने के लिए रोजाना हजारों टूरिस्ट हजरात इकट्ठे होते हैं। हर साल न्यू ईयर के मौके पर इस बिल्डिंग के नीचे लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं, हत्ता के रोड्स जाम हो जाते हैं, गाड़ियां पार करने के लिए जगह नहीं बचती। न्यू ईयर के मौके पर इवन के लास्ट कुछ दिनों पहले 2024 के मौके पर दुनिया की सबसे बड़ी आतिशबाजी की गई, जो कि बुर्ज खलीफा से हर साल की जाती है। इस आतिशबाजी को देखने के लिए पूरी दुनिया से टूरिस्ट हजरात स्पेशल इस मुल्क में आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई को 2023 में 1,70,86,000 लोगों ने विजिट किया। टूरिस्ट इंडस्ट्री दुबई की माशियत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। तो चलें अब बात करते हैं बुर्जुल अरब की। दुबई में दुनिया का सबसे पहला 7-स्टार होटल भी बनाया गया, जिसका नाम है बुर्जुल अरब। ये होटल दुनिया का नंबर 1 लग्जरी होटल है, जिसे समुन्दर के अंदर बनाया गया। इस होटल को 8 जुलाई 1994 में बनाना शुरू किया और 1999 में मुकम्मल कर दिया गया और 1 दिसंबर 1999 को अवामुन नास के लिए खोल दिया गया। ये होटल दुनिया का महंगा तरीन होटल है। यहाँ का रॉयल फ्लैट का एक रात का रेंट $28,000 है, जो पाकिस्तानी 70,53,404 रुपयों के बराबर और इंडियन 23,29,357 रुपयों के बराबर है। इससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये होटल कितना लग्जरी और कितना महंगा है। इस होटल को बनाने के लिए $1 बिलियन का खर्चा आया। इस होटल की टोटल ऊंचाई 321 मीटर यानी 1,053 फुट है। इस होटल में 18 लिफ्टों का इस्तेमाल किया गया। इस होटल में टोटल 202 रूम्स बनाए गए। ये दुनिया के बुलंद तरीन होटलों में से एक है। इस होटल पर एक हेलीपैड भी बनाया गया। होटल के अंडरग्राउंड फ्लोर समंदर के नीचे हैं। इस होटल में बुकिंग के दौरान आपसे पूछा जाएगा कि रोल्स रॉयस की सर्विस लेनी है या नहीं। अगर हाँ तो आपको रोल्स रॉयस पिक करने आएगी और होटल तक पहुंचाएगी। इस होटल के लग्जरी रूम्स देखकर इंसान दंग रह जाता है। इस होटल में गोल्ड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया गया। इसकी शक्ल इंग्लिश के लफ्ज डी से मिलती है। इस होटल में सिर्फ वही लोग जाते हैं जिनके पास बेशुमार पैसा है। अब बात करते हैं एटलांटिस दुबई की। दुबई में मौजूद एक लग्जरी होटल रिजोर्ट जिसका नाम एटलांटिस दी पाम दुबई रखा गया। ये होटल अपनी तर्ज का दुनिया का पहला होटल है, जो दूर से देखने से ऐसे लगता है जैसे ताज पड़ा हो। इस होटल को 2006 में बनाना शुरू किया और 24 सितंबर 2008 को मुकम्मल कर दिया गया था। इस होटल की ऊंचाई 93 मीटर यानी 305.1 फुट है। इसके टोटल 22 फ्लोर हैं और इस होटल में टोटल 1548 फ्लैट्स मौजूद हैं। दूर से देखने पर यह होटल इंतहाई शानदार, खूबसूरत समंदर के अंदर पड़ा हुआ एक ताज नजर आता है। अब बात करते हैं पाम जुमेरा की। पाम जुमेरा नामी ये मस्नूई जजीरा भी दुबई ने बनाया, जो मुकम्मल हैंडमेड जजीरा है। इस जजीरे को एक खजूर के दरख्त की शक्ल दी गई। इस जजीरे पर 10,000 से ज्यादा फैमिलियां आबाद हैं। इस जजीरे को वान ओल्ड और बोस्कालस नामी कंपनियों ने तैयार किया। ये जजीरा इंतहाई खूबसूरत है। ये जजीरा दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत हैंडमेड जजीरा है। बिल्कुल इसी तर्ज का दूसरा जजीरा भी बनाया गया, जिसका नाम पाम जबल अली रखा गया। लेकिन ये जजीरा पाम जुमेरा से छोटा है और पाम जुमेरा से कम शोहरत हासिल करने वाला जजीरा है। अब हम बात करेंगे मेरिकल गार्डन की। अगर कोई इंसान दुबई का विजिट करने जाए और मेरिकल गार्डन ना जाए तो मजा नहीं आता। ये बागीचा 72,000 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ है। इस गार्डन में 50 मिलियन से ज्यादा फूल लगाए गए हैं। इस गार्डन में बहुत बड़ा दिल बनाया गया है और मुख्तलिफ किस्म के प्यारे परिंदे भी छोड़े गए हैं। इस गार्डन की बड़ी बात यह है कि हर साल 70% डिस्प्ले तब्दील कर दिया जाता है और हर साल इसका अलग ही नजारा देखने को मिलता है।
इस गार्डन में बहुत बड़ा एमिरेट्स एयरलाइन का जहाज भी खड़ा किया गया है। लाखों टूरिस्ट हजरात इस गार्डन का विजिट करने के लिए हर साल आते हैं। डेजर्ट सफारी, एक तरफ दुबई की बुलंदो बाला बिल्डिंग्स और दूसरी तरफ रेत का सहरा। इन सहराओं पर दुबई की तरफ से एक तोहफा जो विजिटर्स बहुत शौक से कबूल करते हैं वो है डेजर्ट सफारी। यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियों को रेत के टीलों पर भगाते हैं और विजिटर्स को खूब इंजॉय करवाते हैं। शाम के वक्त खाने के टेबल भी लगाए जाते हैं और बैली डांस का भरपूर इंतजाम होता है। अगर कोई भी दुबई का विजिट करने आए तो डेजर्ट सफारी जरूर जाए, क्योंकि इसके बगैर दुबई की सैर बिल्कुल मजे की नहीं है। दुबई फ्रेम, दुबई फ्रेम को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, हालांकि ये एक खूबसूरत ढांचा है जिसकी ऊंचाई 150 मीटर है। आप इसके अंदर भी जा सकते हैं, लिफ्ट लगी हुई है। आप इसके सबसे ऊपर वाले हिस्से में जाएं, वहां से जाकर पूरे दुबई का नजारा करें। इसके अंदर एक म्यूजियम भी मौजूद है, फ्यूचर म्यूजियम। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर की अगर बात की जाए तो आने वाली जिंदगी, दुनिया और हालात को दिखाता है। ये दुनिया का मशहूर तरीन और खूबसूरत तरीन म्यूजियम है। ये अपनी तर्ज का दुनिया का वाहिद म्यूजियम है। इसे देखने के लिए लाखों लोग विजिट करते हैं। इस म्यूजियम को 22 फरवरी 2022 को ओपन किया गया। स्काई दुबई, दुबई के सबसे मशहूर मकामात में से एक स्काई दुबई भी है। ये जगह ऐसे है जैसे ख्वाब, यानी बाहर मौसम 50 डिग्री और अंदर मौसम 2 डिग्री। स्काई दुबई में मुकम्मल बर्फ मौजूद है। लोग यहां गर्मी के मौसम में बर्फबारी का मजा लेने आते हैं। ये एक मॉल का हिस्सा है। इस मॉल में 900 के करीब दुकानें भी मौजूद हैं। मोहतरम नाजरीन, दुबई वालों ने रेत के सहरा के बिल्कुल बीचों बीच बहुत बड़े दो दिलों को आपस में मिलाकर एक आईलैंड भी तैयार किया है और लाखों डॉलर्स लगाकर दूर दराज से पाइपलाइन खींचकर यहां पानी भी छोड़ा गया है। इस सहराई आइलैंड को देखने के लिए लोग जरूर सफर करते हैं और अगर इस आइलैंड का नजारा ऊपर से देखा जाए तो ये एक इंतहाई खूबसूरत नजारा देता है। मुतहिदा अरब अमारात के पहले सदर शेख जैद थे जिन्होंने अपने वक्त में इस मुल्क को जमीन से आसमान पर पहुँचाने की हर कोशिश की और वो कामयाब भी हुए। लेकिन अब ये अजीम इंसान इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात इन पर करोड़ों रहमतों का नजूल फरमाए। यूएई की करेंसी दिरहम है। एक दिरहम पाकिस्तानी 75.39 रुपयों के बराबर और इंडियन 22.65 रुपयों के बराबर है। मुतहिदा अरब अमारात का सालाना जीडीपी 890.17 बिलियन डॉलर है और यहाँ की फीकस आमदनी 88,221 डॉलर है, जो पाकिस्तानी 2,44,29,038 रुपयों के बराबर और इंडियन 73,39,224 रुपयों के बराबर है। यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी दुनिया की बुलंद तरीन आमदनी है। इस मुल्क का डायलिंग कोड +971 है और इंटरनेट डोमेन नेम .ae है। दुबई में आप जिस तरह के माहौल में रहना चाहें रहें, आप पर कोई पाबंदी नहीं। जिस तरह का खाना चाहें खाएं, चाहे हलाल हो या हराम, कपड़े पहनकर फिरें या बरहना, कोई आपको रोकने वाला नहीं। यहाँ के लोग इंतहाई मिलनसार और खुश इखलाक होते हैं। दिल की बात है, अगर दिल करे तो बड़े से बड़ा काम कर देते हैं, वगरना कर जाते हैं। यहाँ के लोग अपना लिबास, गाड़ी और घर इंतहाई लग्जरी लेवल पर रखते हैं। आम से आम अरबी के पास भी आप दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ी देखेंगे। यहाँ के लोग इतने अमीर हैं कि दुनिया की कोई भी चीज खरीदनी हो इनके बाएं हाथ का खेल है। यहाँ के मर्द हजरात लिबास में सफेद कंदूरा, सर पर सफेद रुमाल और गात्रा रखते हैं और औरतें लिबास के ऊपर काला अबाया पहनती हैं, सर को स्कार्फ से ढांप लेती हैं। यहाँ की औरतें हों या मर्द अपनी जिंदगी को खूब इंजॉय करते हैं। अगर बात करें दुबई के लोगों की अयाशी की तो पूरी दुनिया से लोग यहाँ घूमने फिरने और अयाशी ही करने आते हैं। दुबई के वतनी लोग तो अपना स्टैंडर्ड हर हाल में बरकरार रखते हैं। खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियाँ इनकी गाड़ियों में बैठी चिल कर रही होती हैं। दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियाँ पैसा कमाने के लिए दुबई का रुख करती हैं और यहाँ की ठरकी अवाम को खूब लूटती हैं। दुबई में बार्स सारी सारी रात खुले रहते हैं और इन बार्स में दुनिया का फाहश तरीन डांस होता है और शराब खुलेआम चलती है। दुबई के कुछ बार्स ऐसे भी हैं जहां लड़कियां मुकम्मल नंगी होकर डांस करती हैं और आने वाले को एंजॉय करवाती हैं।
दुनिया की महंगी से महंगी शराब आपको दुबई के हर बार्स में बासानी मिल जाएगी, लेकिन ऐसे बार्स जो मुकम्मल तौर पर फाहश हैं वहाँ हर किसी का जाना अलाउ नहीं। दुबई में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, मिस्र, लबनान, अफ्रीका, फिलीपाइन और इनके अलावा और कई मुल्कों के बार्स भी मौजूद हैं, जहाँ यहाँ के मुल्कों की लड़कियाँ डांस करती हैं और देखने वाले उन पर अपना पैसा निछावर करते हैं। दुबई नाइट लाइफ पूरी दुनिया में इंतहाई मशहूर है। यूरोपियन लड़कियां ऑनलाइन बुकिंग करके गुनाहों को सरगर्म करती हैं, तो वही नाइजेरियन डायरेक्ट। यहां की अरबी लड़कियां, लड़के, हत्ता के गैर मुल्की लोग भी शीशा क्लब का बहुत इस्तेमाल करते हैं। और अगर बात की जाए यहां के बीचेस की, तो इंग्लिश कंट्रीज को भूल जाएं। जहां भी देखेंगे आपको हर तरफ फुल माहौल नजर आएगा, लगता है जैसे कोई और ही दुनिया आबाद हो। यहां इंग्लिश लोग सरेआम रोमांस करते देखेंगे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। यहां पर कुछ बीचेस ऐसी भी हैं जहां पर आप सिर्फ अंडरवेयर के साथ नहा सकते हैं, अगर फुल कपड़े पहने तो नॉट अलाउड। हमारे प्यारे पाकिस्तानी भाई वहां बीचेस पर जाकर किसी न किसी लड़की के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं, उनके साथ चिल करते हुए वीडियोस बनाते हैं और पाकिस्तान अपने दोस्तों को भेजकर इनका दिल गुर्दा एक कर देते हैं। दुबई में ट्रेन का निजाम नहीं है, जो सातों रियासतों समेत दूसरे हमसाए मुल्कों में भी पहुँचाने की कोशिश जारी है। अलबत्ता दुबई में मेट्रो का वसी निजाम मौजूद है, अब तो दुबई में ट्राम सिस्टम भी मौजूद है। मेट्रो स्टेशन से मेट्रो कार्ड लें, इसमें बैलेंस करवाएं और पूरे दुबई का इंतहाई सस्ता सफर करें। यहां का मेट्रो सिस्टम इंतहाई जबरदस्त, खूबसूरत और दुनिया के नंबर वन मेट्रो सिस्टम में शुमार होता है। मुल्क में 9 महीने गर्मी होती है, 1 महीना नॉर्मल मौसम, 2 महीने थोड़ा ठंडा मौसम होता है। शदीद ठंड का दूर नजदीक तक कोई पता नहीं होता। हाँ, अलबत्ता सर्दियों में रात के टाइम ठंडी हवाएं जरूर चलती हैं। पूरे मुल्क में ट्रैफिक का बेहतरीन निजाम मौजूद है और पूरे मुल्क में रोड्स का बेहतरीन जाल मौजूद है, जो सातों रियासतों को आपस में मिलाता है। आप बाय रोड सऊदी अरेबिया भी जा सकते हैं और ओमान भी। बस आपको बॉर्डर पर एग्जिट की मोहर लगवानी है, फीस अदा करनी है और गाड़ी को अल्लाह का नाम लेकर चलाना शुरू कर देना है। दुबई में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टैक्सी सिस्टम भी मौजूद है। यहाँ की टैक्सी कार्स इंतहाई लग्जरी होती हैं। गलती से अगर आप अपना सामान भूल गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं, हेड ऑफिस में कॉल करें, टैक्सी ड्राइवर आपको खुद आकर आपका सामान देकर जाएगा। दुबई के लोग कहवा और खजूर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। खाने में मंदी और हरीसा इनकी फेवरेट गजा है। इसके अलावा KFC, मैकडोनल्ड्स, हार्डीज, पिज़्ज़ा हार्ट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। यहाँ के लोग होटलिंग बहुत ज्यादा करते हैं। इनकी पसंदीदा खुराक में मछली और झींगा भी शामिल है। दुबई के लोग साफ सुथरा लिबास और आला क्वालिटी की खुशबू लगाना बहुत पसंद करते हैं। दुबई में तालीम का निजाम बहुत आला है। गवर्नमेंट काफी हद तक अखराजात अपने जिम्मा ले लेती है। यहाँ के लोग ज्यादातर अपने बच्चों को अमेरिका, कनाडा और लंदन पढ़ने के लिए भेज देते हैं। गुज़श्ता चंद सालों पहले यहाँ के लोगों को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन आज 2024 में यहाँ के लोगों को मुकम्मल इंग्लिश आती है। UAE में हेल्थ का शोभा बहुत जबरदस्त है। दुनिया के आला से आला डॉक्टर्स आपको हर हॉस्पिटल में मिलेंगे। गवर्नमेंट इंश्योरेंस पर्सन को काफी सहूलत देती है। नॉर्मल इंसान यहाँ फीसिस अदा नहीं कर सकता। दुबई में मेडिसिन इंतहाई महंगी है। दुबई में अगर आप रोड क्रॉस करने लगे तो करोड़ों की गाड़ियां चलाने वाले आपकी इज्जत करेंगे, गाड़ी रोककर आपको गुजरने का इशारा करेंगे ताकि आप आसानी से बाइज्जत तौर पर रोड क्रॉस कर सकें। दुबई की पुलिस दुनिया की लग्जरी तरीन जॉब करती है, क्योंकि इनके पास दुनिया की महंगी तरीन और लग्जरी तरीन गाड़ियां मौजूद हैं, जैसा कि निसान पेट्रोल, लंबरगिनी, बुगाटी, रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, रेंज रोवर, मर्सिडीज बेंज, जीप, फॉर्च्यूनर, ये सब इनके पास मौजूद हैं। इनकी गाड़ी कोई दूर से भी देखे तो सांस खुश्क हो जाते हैं। दुबई के क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान ने स्टार्ट किए और सबसे पहले पाकिस्तानी टीमों ने वहां जाकर खेला। UAE के लोग घोड़े की रेस और ऊंटों की रेस बहुत शौक से खेलते हैं। दुबई में मौजूद अरबी नस्ल के घोड़े दुनिया के महंगे तरीन घोड़ों में शुमार होते हैं। ये घोड़े इंतहाई समझदार और फुर्तीले होते हैं। UAE का कौमी परिंदा बाज है, जिसे मुकम्मल शिकार के लिए ट्रेंड किया जाता है और इन बाजों पर लाखों दिरहम का खर्चा भी किया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड सूक भी दुबई में मौजूद है, जहां आप सोने की अंगूठी से लेकर सोने का पूरा लिबास तक हासिल कर सकते हैं।
यूएई का कौमी जानवर अरेबियन ओरक्स है। इस मुल्क का कौमी दिन 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों पर रोड्स पर निकल आते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। हर शहर में आतिशबाजी होती है और मुख्तलिफ किस्म के खाने बनाकर बांटे जाते हैं। ये दिन पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। अगर बात करें न्यू ईयर की, तो इस दिन बुर्ज खलीफा की आतिशबाजी देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। ये आतिशबाजी पूरी दुनिया में सबसे मुख्तलिफ और महंगी तरीन आतिशबाजी है। दुबई वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा पीछे है। यूएई में टोटल 19 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। सबसे बड़ा एयरपोर्ट दुबई एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शुमार होता है। इसके बाद अबूजाबी और शारजा एयरपोर्ट मसरूफ तरीन एयरपोर्ट्स हैं। दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन है। इसके बाद एतिहाद एयरलाइन जो अबूजाबी की है और एयर अरेबिया जो के शारजा की एयरलाइन है, इनका नंबर आता है। दुबई दुनिया का महफूज तरीन शहर है, जहां रात के अंधेरे में अकेली चलती हुई लड़की भी महफूज है। जराइम बहुत कम है और रूल्स इंतहा के सख्त है। दुबई का मीडिया टोटल कंट्रोल है। यहाँ किसी भी हादसे की वीडियो आप अपलोड नहीं कर सकते और ना ही बना सकते हैं। ऐसा करने पर 100 दफा जरूर सोचें। दुबई अपना बैड इमेज दुनिया के सामने नहीं लाता। दुबई एक मीठी जेल है, जहाँ लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और फहाशी को देखकर चले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर इनकी अकल ठिकाने आ जाती है। पैसा है तो कोई मुश्किल नहीं। वहाँ जाकर रूम का रेंट और खाने पीने का इंतजाम इंतहाई महंगा होता है। जो लोग वहाँ काम करने जाते हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि यहाँ मजदूरों के साथ क्या सलूक किया जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका जाते ही जैक लग जाता है। बाकी 95% लोग जलील होते हैं। दुबई में जॉब ढूंढना इंतहाई मुश्किल है। या तो आप किसी कंपनी का डायरेक्ट वीजा लें, या विजिट वीजे पर जाकर खुद जॉब ढूंढें। यहाँ मजदूर तबके की कदर बिल्कुल नहीं की जाती। इंतहाई कम पैसों पर 50 डिग्री पर काम लिया जाता है और ज्यादातर पैसे ठेकेदार खा जाते हैं, और इन ठेकेदारों को कोई पूछताछ भी नहीं। यूएई की सबसे बड़ी मस्जिद शेख जैद मस्जिद है, जो अबू जैबी में मौजूद है। इस मस्जिद को बनाने में 2 बिलियन दिरहम का खर्चा आया। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी मॉस्क शारजा मॉस्क है, जिसको तुर्की स्टाइल में बनाया गया। तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल क्लॉकवर्क को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यह आपकी मोहब्बत होती है, जिसके हम मुंतजर होते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। खुदा हाफिज।